एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट वैल्यू के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। दो बाहरी दलों के समर्थन के बाद मुर्मू का पलड़ा और भारी हो गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन किया है। साफ है कि विपक्ष और अन्य को मिलाकर भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के अलावा मुर्मू को कुछ अन्य दलों का भी समर्थन जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी से अपने लिए समर्थन की बात की है। द्रौपदी मुर्मू ने इस फोन का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन समर्थन पर ममता बनर्जी ने हामी नहीं भरी है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से कहा है कि पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। हालांकि ममता बनर्जी का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना मुमकिन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। विपक्षी दलों ने आपसी सहमति से उन्हें उम्मीदवार बनाया है, मगर आंकड़ों पर नजर डालें तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और पूरा एनडीए मुर्मू की जीत को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ दिख रहा है।